मेरे चंदा मामू, मेरे प्यारे चंदा मामू, चंदा मामू मेरे प्यारे हैं चंदा। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, आप ठीक है ना? मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। वो आप ठीक है ना? और मुझे वेरी गुड। आप पता क्यों ठीक है? क्योंकि आप अंकल बबलू की बातें मानते हैं, टाइम पे खाना खाना और टाइम पे उठना और टाइम पे सोना। ये जो होते हैं ना लोग सेहतमंद होते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। हाय हे, वो जो टाइम पे सोते नहीं, जो रात को लेट सोते हैं और वो बीमार हो जाते हैं जल्दी। हाँ, और टाइम पे खाना भी खाना है आपने। हाँ, इधर आओ, बात सुनो। बड़ी शिकायतें मिल रही हैं आप लोगों की। इतनी शिकायतें, वो सारे मुझे ताने देते हैं, आपके बड़े जितने भी हैं सारे दोस्त अब आपके अम्मी अबू सब मुझे कॉल करके बताते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बताते हैं। आप लोगों से पहले कच्ची कर दे ली। आप मोबाइल को क्यों छेड़ते हैं आप है? मोबाइल पे आप गेमें खेलते हो, अपने अम्मी अबू के मोबाइल पे भी गेमें खेलते हो, और आप अपने अम्मी अबू को ये भी तंग करते हो कि हमें भी मोबाइल लेके दें। क्यों मोबाइल लेके दें? जब आप बड़े हो जाओगे ना तो मोबाइल लेके देंगे। हाँ, और जब भी आपके पापा आते हैं ना तो मोबाइल पे आप गेमें खेलने लगते हो, उनसे मोबाइल ले लेते हो। पता आपको कितना नुकसान होता है ये आँखों का? कितना नुकसान होता है? नज़र कमज़ोर हो जाती है। हाँ, जो मोबाइल पे गेमें खेलते हैं ना उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। हाँ, तो कोशिश करनी है आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आप अपना मोबाइल लेंगे, ठीक है ना? मैं आपको मोबाइल लेके दूंगा, क्योंकि मैं आपका अंकल हूँ और आपका दोस्त भी हूँ बबलू, ये सबको मोबाइल लेके देगा, ठीक है ना? तो कोशिश, मुझे अब शिकायत ना है आपकी। दे ये देख लो, मुझे माफ़ कर दो, मोबाइल पे गेम नहीं खेल ली आप ली। हाँ प्यारे बच्चों, मैं ना आज आपको एक लतीफ़ा सुनाऊंगा। हाँ, अए हकलुड़ी शवालुड़ी, ओए लतीफ़ा पता क्या है? एक ना औरत होती है, वो गाड़ी पे जा रही होती है अपने ड्राइवर के साथ, गाड़ी पे जा रही होती है शॉपिंग करने के लिए, तो गाड़ियाँ ना ड्राइवर रोक देता है। वो कहती है, ड्राइवर गाड़ी क्यों रोकी? वो कहती है, ड्राइवर गाड़ी क्यों रोकी है, क्या वजह? वो कहता, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। कहती, अच्छा आगे नहीं जा सकती, चलो फिर पीछे ले जाओ। मुझे पेट्रोल ही नहीं है ना, उसने आगे जाना ना पीछे जाना। मुझे एक और लतीफ़ा याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। एक बंदा ना डॉक्टर के पास जाता है दवाई लेने के लिए। वो कहता है, डॉक्टर साहब मैं रोज़ाना 200 रुपये की दवाई लेके जाता हूँ, मुझे फ़ायदा कोई नहीं हुआ। वो डॉक्टर कहता है, इधर आओ, आज तुमने 100 रुपये की दवाई लेके जानी है, 100 का तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। इधर आओ, मैं आपको लतीफ़ा दे रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत है। एक टीचर अपने ना एक स्टूडेंट को सवाल करती है, वो कहती है, इधर आओ बात सुनो। वो कहता है, जी टीचर। वो टीचर कहती है, अगर इंसान का बस ना चले तो इंसान को क्या करना चाहिए? वो कहता, अगर बस ना चले तो फिर ट्रक चला लेना चाहिए। कैसा, मैंने कितनी लतीफ़े आज याद किए हैं। ओए अक्ल उड़ी चावल उड़ी। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी है, वो बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक शेर होता है, शेर, अरे अक्ल उड़ी चावल उड़ी, वो एक शेर होता है। वो शेर से सारे जानवर डरते हैं, वो किसी पे रहम नहीं करता, वो किसी जानवर को माफ़ नहीं करता, वो सब उससे डरते हैं, वो सबको मारता है, मार के खा जाते हैं। हाँ, फिर सारे जानवर ना उससे बहुत डरते हैं। एक दिन पता क्या होता है, वो शेर ना एक हरण का शिकार करता है। शेर जाता है शिकार के लिए तो वो एक हरण को पकड़ लेता है, वो हरण को मारता है तो मार के ना खा लेता है। वो जब खा लेता है ना, वो खा ही जाता है, उसका पेट भर जाता है, और जब वो खा ही जाता है ना तो एक बड़ी सी हड्डी होती है वो शेर की हलक में फंस जाती है। वो शेर को इतना दर्द होता है, वो दर्द से तड़पता है, वो सारे जानवरों के पास जाता है कि शेर कहता है, बड़ी मेहरबानी ये हड्डी निकाल दें आप, बड़ी मेहरबानी। वो कोई भी कहता है, हमने नहीं भाई, हमने नहीं निकाली, तुमने हम पे जुल्म किए हैं। वो सारे ना अंदर छुप जाते हैं। वो शेर कहता है, बाहर आओ, मेरी हलक में ना हड्डी फंसी हुई है, मेरी मदद करो, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। वो एक बड़ा सा भालू शेर देखता है उस बड़े से भालू को, और भालू को कहता है,
कि भालू भालू ये मेरे ना हलक से हड्डी निकाल दो। वो कहता है मैं खुद थका हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाद में निकालूंगा। वो भी ये कह के चले जाता है। शेर बेचारा बड़ा मायूस हो जाता है और मायूस होकर ना रोने लग पड़ता है। वो जब रोता है ना तो इतने में वो देखता है कि एक हाथी जो ना वो दरख्त के ऊपर से ना आम उतारने की कोशिश करता है, तो वो आम उससे उतरते नहीं क्योंकि आम जो होते हैं ना वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं और वो हाथी छोटा होता है। वो शेर उसको देखता है, देख ही जाता है। वो कहता है कि ये हाथी मेरे काम आएगा। वो हाथी के पास जाता है, वो कहता है तुम ये आम उतार रहे हो ना जो ये बहुत ऊँचे हैं, मैं ऊपर चढ़ के ना मैं इसको फेंकूँगा, तुम खा लेना। वो कहता है ठीक है मैं खा लूँगा। कहता है लेकिन बदले में मेरा भी एक काम करोगे तुम। वो कहता है तुम्हारा क्या काम होगा? कहता मेरे हलक में ना हड्डी फंसी हुई है, इसको निकालो मैं तुम्हें आम दूंगा। वो कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। वो मुंह खोलता है शेर ऐसे करके मुंह खोलता है तो आती है ना अपनी सूंड के साथ हड्डी को निकाल देता है। शेर बड़ा खुश होता है। शेर कहता मैं तो फिर वैसे ही हो गया, आए वे अक्ल उड़ी शवाल उड़ी। वो शेर फिर दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ के कितने सारे आम तोड़ता है, तोड़ ही जाता। हाथी आम खाई जाता। हाथी इतने आम खा लेता है, फिर उन दोनों की ना दोस्ती हो जाती है। हाँ, तो इस कहानी से पता हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है जो किसी पे जुल्म करते हैं, जो किसी के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, लोग फिर उनके काम नहीं आते। बंदे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी से भी काम पड़ सकता है, इसीलिए किसी से नाराज नहीं होना, मिलजुल के रहना है। आए वे अंकल बबलू की कहानी के साथ। और हाँ, मैं आपको ना एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ गया। एक घर में ना चोर आ जाते हैं रात को। वो चोर आके कहते हैं सोना किधर है, सोना किधर है? एक बच्चा होता छोटा, कहता अंकल आप ऊपर सो जाएं हम नीचे सो जाते हैं। तो फिर कैसी लगी हमारी कहानी? जैसी भी लगी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अंकल बबलू है, अंकल बबलू आपका दोस्त है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और मुझे आपकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? और हमारे है ना चैनल वालों ने यह ना अनाउंसमेंट की है, हमें अपनी वीडियो बना के व्हाट्सएप करो, आप में जो भी टैलेंट है हम अपने चैनल पे चलाएंगे। अरे वे अक्ल उड़ी शावर उड़ी। और अगर आपने मुझे कमेंट्स डाला कि ये तो मैंने कच्ची कर लेनी है आप, ठीक है ना? ओके टाटा बाय। Da 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 da